आज देवघर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती को मनाया, उसके जीवन को याद किया एवं तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। जयंती मनाई जा रही है, पूरा देश ऋणी है, पूरा देश उनको याद करके गौरवान्वित है कि उनकी कृति, उनका जज्बा और उनकी जो देशभक्ति कूट कूट करके उनके अंदर जो भरा था, वो आज के नेताओं को के लिए एक सीखने की चीज़ है, प्रेरणादायक है आज के युवाओं के लिए, आज के समाज के लिए, कि जिन्होंने पूरे विश्व को लोहा मनवाने का काम किया था। इसलिए उनको आयरन लेडी के नाम से भी विख्यात थी पूरे विश्व में, पाकिस्तान के दो टुकड़े करके, चाइना को परास्त करके, और जिस प्रकार से बर्मा और देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके, खदानों का राष्ट्रीयकरण करके, इस देश को जिस प्रकार से एक मजबूत स्तंभ खड़ा करने का काम किया था, आज देख रहे हैं। और उन्हीं चीज़ों को आज की राजनीति में आज की सरकार उसको बेच रही है, टुकड़े टुकड़े कर रही है। जिस महल को एक दाना का टुकड़ा इकट्ठा करके महल बनाने का काम किया था, आज उन महल के एक एक ईंट को तोड़ करके उसको बेचने का प्रयास किया जा रहा है। इस देश को में जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, देश में एकता नहीं है, झूठी एकता को ला करके इस राष्ट्रभक्ति की बात करने वाले इंदिरा जी से सीखे कि प्रधानमंत्रित्व काल में इस देश को देने का काम किया, देश को मजबूत करने का काम किया, देश का निर्माण करने का काम किया, और आज आप क्या कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। यही फर्क है और यही इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमें गर्व हो रहा है कि हम उस देश में हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में इंदिरा गांधी का प्रतिनिधित्व हो चुका है, इस देश में प्रधानमंत्री रह करके पूरे विश्व को लोहा मनवाने का काम किया।